पूरे देश को क्या, पूरे वर्ल्ड को जरूरत है गुरुओं की, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो इतना भयानक टाइम चल रहा है ना, इस भयानक टाइम में गुरुओं की जरूरत है ताकि सब माहौल जो है इतना अच्छा बन सके। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है, इसके उपलक्ष्य में हम आम जनता के बीच में पहुँचे हैं और जानते हैं कि आम जनता का क्या कहना है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश गुरु पीर फकीरों की धरती है और इस समय में एक ऐसे संत पीर फकीर जिनको यूएन, जो 193 देशों का संगठन है, उस तक ने न्योता दिया, अमेरिका में बुलाया, पूरे विश्व को एक संदेश देने के लिए, एक मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, एक समझाने के लिए, जिस संत को हमारे कई देश के नेता हैं, हमारे देश के जो राजाएं हैं, काफ़ी देशों के राजाओं ने उनको फॉलो किया, उनके कार्यों को फॉलो किया। आखिर कौन हैं ऐसे संत, जानते हैं, इसी सवाल की चर्चा करते हैं आम जनता से। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपको? तेरा यासरा। क्या नाम? मेरा नाम अमिता इंसा है और मैं गुरुग्राम से बिलोंग करती हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है मैम? मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। मैम, आपकी नज़र में कौन है सत्य, कैसा होता है सच्चा गुरु, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? सच्चा गुरु वही होता है कि जो हमें अच्छी राह पे चलना सिखाए। और मैंने ऐसा गुरु अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही गुरु को देखा है, जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं। उन्होंने ही मुझे, चाइल्डहुड से ही मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, उन्होंने मुझे अच्छे वर्क करना सिखाया है, अच्छी रास्तों पे चलना सिखाया है, मानवता भलाई के कार्यों में पार्टिसिपेट करना सिखाया है। तो मैं उनको गुरु, सच्चे दिल से ही उनको गुरु माना है मैंने उनको। बाकी सभी गुरुज हैं, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे लगते हैं ये, बट जिनसे हमने, गुरुजी ने हमें नामदान दिया है, जिस नामदान से हमें अंदर से इंटरनल पीस फील होती है, तो हम उस गुरु को हम सच्चा गुरु मानते हैं। आप कब मिले गुरु, अपने गुरु से? एक्चुअली मैम, मैं बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड में, लाइक 5th, 6th, 7th, 8th क्लास में थी, तब मुझे, मैं जैसे नाम चर्चा होती है तो मैं नाम चर्चा में जाया करती थी, इवन तब मैंने नामदान नहीं लिया था, तो मैं जाती थी। तो आप मानेंगे कि चाइल्डहुड में क्या होता है कि हमें छोटी 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 जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड आप मानते हैं, थोड़ा सा गुरुजी से प्रेयर की तो गुरुजी ने पूरी कर दी। तो मतलब तब से जुड़े हुए, चाहे लालच था चाहे कुछ भी था, तब से हम जुड़े हैं। तो जब गुरुजी से नामदान 2004 में मैंने नामदान लिया था, और तब से लेकर अब तक मैं कॉन्टीन्यूसली उनके साथ, गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। उनके संस्थानों में जाते हैं हम और सत्संग सुनते हैं, और जो भी कोशिश रहती है कि जो भी वो मानवता भलाई के कार्य बताते हैं उनको हम करते रहें और आगे भी बताते रहें। आपकी लाइफ में क्या बदलाव, आपको इम्पैक्ट क्या दिखता है अपने आपके गुरु से जुड़ने के बाद? इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। ऐसा लगता है कि अगर हमें ये गुरु ना मिलते तो हम पता नहीं कहाँ पे होते, मतलब हमारी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्या पता हम बुरे कार्यों में लीन हो जाते। कुछ जैसे आजकल आपको पता ही है, ड्रिंक्स चलती हैं, नॉन वेज चलता है, हम खा वो होते हैं, तो हमारी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते। और हमें अच्छा ही लगता है कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम अच्छा काम करें तो हमें अच्छा लगता है अंदर से, और ये हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है कि हम गुरुजी से जुड़े हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम तो नामदान लेते हैं, सिमरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा संत भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मतलब राम भी उनके साथ लगा है, रहीम भी हैं, सिंह भी हैं, इनसा भी हैं, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं एक्चुअली, इस जो नाम है ना, ये इस नाम में ही सब कुछ आ जाता है। मतलब गुरुजी हैं ही ऑलराउंडर, हम जैसे देखते हैं गुरुजी प्लेयर भी बहुत ज़्यादा हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, हर विषय में, हर सब्जेक्ट में उनको नॉलेज है। आप किसी भी सब्जेक्ट में उनसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे, उनको मतलब वो क्वेश्चन का रिप्लाई फास्ट आ जाता है, क्योंकि वो हैं ही ऑलराउंडर। और उनके साथ सभी चीज़ नाम नहीं, डॉक्टर भी है क्योंकि उनको एवरी फील्ड, सभी फील्ड्स की नॉलेज है। और लाइक राम, वो तो जैसे कहते हैं ना कि नेचर से ही, मतलब गॉड गिफ्टेड ही है उनका नेम, ऐसे मतलब गुरमीत राम रहीम सिंह जी रखा गया, तो बहुत अच्छा लगता है। किस धर्म को वो फॉलो करते हैं, किस धर्म के लिए पब्लिक? वो धर्म को तो, वो सभी धर्मों को फॉलो करते हैं, वो सभी धर्मों को एक बनाते हैं। अब हमने जैसे, उनका कहना यही है कि सभी धर्म एक हैं, कोई भी अलग नहीं है, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है, इंसानियत को ही हमें मानना है, तो कोई भी, हमें भेदभाव किसी से भी नहीं करना चाहिए। और आप मानोगे नहीं, मेरा हमेशा से ही, जब से गुरुजी सिखाए, हमें किसी से भी कोई
वो नहीं होता कि हमने किसी को अलग मानना है, किसी सिख धर्म को अलग मानना है या किसी को, सब एक ही मानते हैं। अब मेरी आप डॉटर का नाम है रहमत, और इवन कि हम चाहे हिंदू, लेकिन हमें सभी, काफ़ी लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि रहमत तो मोमडंस का नेम होता है लेकिन आपने क्यों रखा, लेकिन हम यही सभी को बताते हैं कि हम जिन गुरुजी को मानते हैं उन्होंने हमें यही सिखाया है कि सभी धर्म एक हैं, कोई भी अलग नहीं है, इंसानियत ही हमारा धर्म है, सभी जाति एक हैं। मैम 2017 ही एक 17 में यूएन की तरफ से एक ट्वीट आया था, वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के संत डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा को अमेरिका में बुलावा आया था। क्या कहना चाहोगी पूरे विश्व को सम्मानित करने के लिए, पूरे विश्व को शिक्षा देने के लिए हिंदुस्तान से उनको बुलाया गया? वो यस, क्योंकि गुरमी जो ये गुरुजी हैं ये चाहते ही, मतलब इनकी तो माइंड में इनके यही है कि इनका काम वही है, सेवा यही है कि सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कि अच्छी इंसानियत हो, सब बुराइयां जो हैं दूर हो जाएं, उनकी हमेशा यही कोशिश रही है। वो हमेशा यही कहते हैं कि हम समाज के भलाइयों के कार्यों के लिए तैयार हैं, और जो जैसे अब ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे जो वहाँ पे डिवोटीज़ हैं, इतने डिवोटीज़ हैं, वो अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो वो वर्क कर रहे हैं, वो अपने गुरु जी का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि भाई हाँ ये ऐसे कौन से गुरु हैं जो मतलब इतना, जैसे ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन, इतने हाई लेवल पे ब्लड डोनेशन होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो मतलब सभी ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरा कंप्लीट वर्ल्ड देखता है कि भाई ये जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं लोग, जो डिवोटी पीपल हैं, ये मीन्स सभी अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, और जो कन्या भ्रूण हत्या है, ये आप बाहर के देशों में कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और गुरुजी ने सत्संग में सीधा सीधा मतलब इतनी तेज, वो मतलब इतनी तेज आवाज में बोला है कि कन्या भ्रूण हत्या महापाप है। जैसे वो उन्होंने उनको देखा, वो देखते हैं कि बाहर के देशों में ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं कन्या भ्रूण हत्या, तो जो यहाँ के डिवोटीज लोग हैं वहाँ रहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग रह रहे हैं, तो वो अच्छे अच्छे वर्क कर रहे हैं, मानवता भलाई के कार्यों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही अमेरिका के लोग भी, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ का जो है, उनको ऐसा लगा कि हमें इनको बुलाना चाहिए, ताकि पूरे कंट्रीज़ को, सभी जो कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको पता लगना चाहिए कि ऐसे जो सेंट हैं डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा, कि जो ऐसे काम कर रहे हैं, वो मानवता भलाई के काम करते रहना चाहिए, ताकि जो हमारा वर्ड है वो सुरक्षित बन सके। मैम संत जी ने क्या योगदान, मतलब क्या कंट्रीब्यूट क्या किया है अभी तक, ऐसे कौन से सोशल वर्क उनके चल रहे हैं? इन्होंने तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, 134 आई थिंक मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं। आप ये देखिए कि जैसे ट्री प्लांटेशन होता है, कितना ज़रूरत है आजकल, क्या करते हैं कि इतने ट्रीज़ को कट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा, और ऑक्सीजन लेवल की इतनी कमी हो जाती है ट्रीज़ के कट करने से। तो गुरुजी यही कहते हैं कि अपना ट्री प्लांटेशन नेसेसरी है, और ब्लड डोनेशन करना चाहिए, आईज डोनेशन हो रहा है, और जैसे लाइक स्टॉप फीमेल फ्यूटिसाइड, लाइक ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। और आप जैसे वैश्याओं को, उनको मतलब शादी कराना, ये बहुत मतलब किसी के माइंड में भी आज तक नहीं आया कि जो वैश्या हैं, जो मजबूरी में ऐसे गलत काम कर रहे हैं, कि उनको भी अच्छे परिवार मिले, अच्छे परिवार में जाएं, ऐसे काम जो गुरुजी के माइंड में आए हैं, ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी मतलब ऐसे ऐसे काम लेके आते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। और एक काम जैसे अब कुल का क्राउन गुरुजी ने स्टार्ट किया, कि अगर किसी के घर में एक बेटी है तो वो भी अपने अपने मम्मी पापा का नाम आगे बढ़ा सकती है, अपने जो सरनेम होता है उसको आगे बढ़ा सकती है। वो गुरुजी ने उनको क्या किया, कुल का क्राउन का मतलब यह है कि जैसे लड़का लड़की को शादी करके ले जाता है, ऐसे कुल के क्राउन में जो बेटी, सिर्फ एक ही बेटी है घर में, तो वो लड़के को शादी करके अपने घर में लेके आएगी, और लड़का और लड़की दोनों ही अपने परिवार की संभाल करेंगे। और ऐसे बहुत से कार्य हैं, मतलब जैसे अब हम अनगिनत हो जाते हैं कई बार, तो जहाँ भी जाते हैं, अब जैसे अब जिनके गरीब बेटियां हैं, गरीब घर होते हैं, उनकी बेटियों के पास, जैसे उनके पास पैसा नहीं होता शादी कराने के लिए, तो जो सत्संगी हैं, तो गुरुजी ने कहा कि इनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा पैसा करके, उनको सामान देने के लिए। तो और काफ़ी जैसे जिनके पास मकान नहीं है रहने के लिए, उनको मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, मतलब सारी संगत पैसा इकट्ठा करके, या परमार्थ से जैसे भी होता है, कि ताकि वो बेघर ना बन सके। तो ऐसे काफ़ी कार्य हैं। मैम गुरुजी के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं, काफ़ी कुछ केसेस हैं, आप क्या कहना चाहोगे, आपकी पर्सनल प्रोस्पेक्ट क्या है? ये केसेस तो सरासर झूठे हैं, हमारी नज़र में तो कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ गलत है।
बाकी दुनिया का तो कहना ही है, लेकिन हमें तो अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है। गुरुजी ने हमें इतना कुछ दिया है और वो कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकते। जो कंट्रोवर्सी है वो लोगों की सोच है, क्योंकि कलयुग का टाइम चल रहा है, जैसे कलयुग में लोग रह रहे हैं वैसे देखते हैं, जैसे आजकल मीडिया है जैसे दिखाएगी तो लोगों ने वही देखना है। अब जो लोग देखते तो मीडिया को है न्यूज़ में, जो मीडिया गलत दिखाएगी तो गलत समझेंगे। वो एक बार डेरा सच्चा सौदा में आके देखे तो ही उनको पता लगेगा कि क्या सच है क्या गलत है। क्या पूरे विश्व को आज उनकी नीड है मैम? बहुत ज़्यादा नीड है, मतलब ऐसा लगता है कि क्योंकि ये पूरे विश्व, ये जो भारत जो देश है ये गुरुओं का देश ही है, और अब तो क्या है कि भारत को छोड़ो पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है गुरुओं की। अब ये गुरु जी को इनको इन्होंने भेज दिया, लेकिन फिर भी इनके बताए हुए मानवता भलाई के कार्य कभी भी नहीं रुक सकते और ना ही रुके हैं। हाँ, बाकी अगर गुरु जी आएंगे तो हमें कुछ नया बताएंगे, और भी मतलब जोश चढ़ता है, जोश तो अभी बहुत ज़्यादा है संगत में, और भी जोश बनेगा, कुछ नए नए आइडियाज़ मिलेंगे हमें, जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए, कुछ अच्छा किया जाए जिससे हमारा वर्ल्ड जो है पीसफुल हो जाए। इम्पैक्ट क्या पड़ा है, 4 ईयर्स हो गए हैं लगभग? इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा है, मतलब काफ़ी, मतलब जैसे है ना, अब जैसे मीडिया ने गलत दिखाया तो कुछ लोग, इवन कि डिवोटी लोग, उनको लगा कि ये गलत है, उन्होंने मन के बहकावे में आके थोड़ा सा वो टूट गए, बट कुछ संगत हुई है, लेकिन काफ़ी संगत जो बहुत ज़्यादा संगत जुड़ी हुई है वो अभी तक कर रहे हैं। इम्पैक्ट ये है कि अगर गुरु जी होते तो का शायद ये कोरोना भी ना आता, कई बार बहुत ज़्यादा महसूस होता है, फिर भी कोरोना का आया है, कोरोना जो महाबीमारी आई है उसमें भी गुरुजी जैसे लेटर्स में के थ्रू हमें बताते हैं, और इवन कि गए तो हैं गुरुजी, थोड़ा इम्पैक्ट तो काफ़ी पड़ा है कि होते तो शायद कितनी बीमारियों का इलाज हो जाता, कोरोना जैसी महाबीमारी का इलाज ऐसे ही हो जाता। वो थोड़ा सा आइडियाज़ तो अभी भी उन्होंने दिए हैं, जैसे काढ़ा के लिए दिए हैं, तो आप आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को कैसे विश करना चाहेंगे? आज हम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी को यही विश करना चाहेंगे, गुरु जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर लाइफ, एंड आपने जो हमें इतना अच्छा काम करना सिखाया है, आपने जो हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है, उसके लिए हमें बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। एंड आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, और आप, हमें ऐसा लगता है कि आप हमेशा ही हमारे साथ हैं और हमेशा ही हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू गुरु जी। सरकार से क्या अपील करेंगे अपने? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि गुरु जी को, क्योंकि जो भारत है ये गुरुओं का देश है, और ये गुरु तो जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी सा हैं, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ट्राई कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल हो जाए, तो इनको सरकार को इनको एक बार भेजना चाहिए, एक बार नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि पूरे देश को क्या, पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है गुरुओं की, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो इतना भयानक टाइम चल रहा है ना, इस भयानक टाइम में गुरुओं की ज़रूरत है ताकि सब माहौल जो है इतना अच्छा बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये है आम जनता की आवाज़, जो लगातार हम आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के, वो आपके सामने आकर आपको बता रहे हैं रियल फैक्ट। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।